बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स एंड एनेक्सियोलाइटिक्स, और इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे बारबिट्यूरेट्स को, बेंजोडाइजेपिन्स को और नॉन बेंजोडाइजेपिन्स की कौन कौन से ड्रग्स हैं जो एज अ सिडेटिव यूज़ होते हैं, एनेक्सियोलाइटिक यूज़ होते हैं या हिप्नोटिक यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों वर्ड्स का डिफरेंस बता देती हूँ कि इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। एनेक्सियोलाइटिक्स निकला है एनजाइटी से, एनजाइटी है परेशानी, बेचैनी। ठीक है, जो ड्रग्स आपकी जो नींद को इन्हांस करेंगे, यानी कि इंसोमनिया के ट्रीटमेंट, इंसोमनिया को ट्रीट करेंगे, जैसे वो जिन ड्रग्स को लेकर आपको नींद आ जाएगी, वो आपको आपके हिप्नोटिक्स कहलाते हैं। और जो ड्रग्स, जो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या बहुत ज़्यादा बेचैन है, ठीक है, एनजाइटी से थोड़ा सा मतलब उसकी ज़्यादा स्टेट है, तो वो ड्रग्स जब वो लेगा तो वो उसका थोड़ा सा मतलब वो काम डाउन हो जाएगा, कामनेस इंड्यूस करवाएंगे, तो वो होते हैं सेडेटिव्स। सो आपके पास तीन मैंने आपको बता दिया, एनेक्सियोलाइटिक्स या फिर आप लोग सेडेटिव काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, मतलब उनको आप लोग इंटरचेंजेबली समटाइम यूज़ कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको लो डोजेस पे लो तो वो सेडेटिव होते हैं और हाई डोजेस पे लो तो वो हिप्नोटिक बन जाते हैं। ठीक है ना, मतलब कि वो ऐसा हिप्नोसिस का काम करते हैं, यानी उनको नींद इंड्यूस करवा देते हैं। सेडेटिव ये है कि आप थोड़े से अनकॉन्शियस, मतलब थोड़ा सा आपका जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। कॉग्निटिव फंक्शंस का आपको पता होगा कि ये होते हैं कि आपकी एबिलिटी कि आप कुछ लर्न करो, आप कुछ काम करो, कुछ मतलब इनोवेशन करो, कुछ आपका लर्निंग, लिसनिंग या कोई भी आपके जो ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस में आ जाते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले बारबिट्यूरेट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशंस क्या, मैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन का जो लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोगों ने जो है वो क्लासिफिकेशन देख लेनी है। और इससे इसके लेक्चर के दौरान भी मैं डिफरेंट क्योंकि ड्रग्स को डिस्कस करूँगी तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स होंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बारबिट्यूरेट्स को डिस्कस करते हैं। बारबिट्यूरेट्स जो है वो एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक दोनों के तौर पे यूज़ होता है, दोनों तौर पे यूज़ करता होता है। और डिफरेंस क्या है इन दोनों का, डोजेस का, लो डोजेस पे ये सेडेटिव है और हाई डोजेस पे ये हिप्नोटिक हो जाएगा। इट हैज़ लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय द बेंजोडाइजेपिन, से ये रिप्लेस्ड हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखने की ये है कि जो बेंजोडाइजेपिन या बारबिट्यूरेट्स हैं ये दोनों ही जो क्लासेज हैं खासतौर पर ये कंट्रोल ड्रग्स हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है, इनको एज उसमें से शुमार किया जाता है, नारकोटिक्स में शुमार किया जाता है, जो आपके शेड्यूल बी, सॉरी नारकोटिक्स कह रही हूँ, जो आपके कहा जा सकता है, इनको आप नारकोटिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये आपके जो शेड्यूल बी में आते हैं और शेड्यूल बी में जो है ये जो भी ड्रग्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उनको प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम ड्रग लॉ पढ़ेंगे, ड्रग एक्ट पढ़ेंगे। जो लोग, जो बच्चे ड्रग एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं या फॉरेंसिक फार्मेसी के लेक्चर्स चाह रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिस्कस कर रहे थे क्योंकि क्यों ये आपके पास जो है रिप्लेस्ड हो चुके हैं बेंजोडाइजेपिन से, क्योंकि ये टॉलरेंस नंबर वन इंड्यूस करवाते हैं, सेकंड इनके विड्रॉवल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा स्वेयर होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जब इनको ऑब्वियसली बात है कि आप कोई भी ड्रग, बहुत कम ऐसी ड्रग होती हैं जिनको आपको लाइफ टाइम जारी रखना पड़ता है, जो स्वेयर डिजीज के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको आपको विड्रॉवल करवाना चाहिए क्योंकि आप लाइफ टाइम इन पर नहीं रह सकते हैं। और अगर आप लाइफ टाइम इन पर डिपेंड हो जाएंगे तो आपकी अपनी बॉडी की एबिलिटीज़ जो है वो अपनी बॉडी के फंक्शंस हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। सो हम टू द पॉइंट रहते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक शॉर्टर एक्टिंग, क्योंकि हमने इसकी क्लासिफिकेशन शॉर्टर एक्टिंग, लॉन्गर एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग के लिहाज से पढ़ी थी। तो शॉर्टर एक्टिंग में जो है थायोपेंटाल आ जाता है, और थायोपेंटाल अभी भी यूज़ होता है एनेस्थीसिया को इंड्यूस करवाने में। ठीक है, ऑल द हमने पढ़ा कि ये रिप्लेस्ड हो चुके हैं लेकिन सम हाउ इसका यूज़ है, और इसका यूज़ इनमें से इस क्लास में जो जिसका यूज़ अभी तक है, कंटिन्यू है, वो है थायोपेंटाल। ठीक है ना, थायोपेंटाल का जो यूज़ है वो एनेस्थीसिया के लिए है। अब मैकेनिज्म क्या है कि ये इंटरैक्ट करता है विद द गाबा ए रिसेप्टर्स के साथ और इंक्रीज करता है गाबार्जिक ट्रांसमिशन को। अब गाबार्जिक ट्रांसमिशन क्या है, गाबा क्या चीज़ है, ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो बाइंडिंग साइड होती है वो डिस्टिंक्ट होती है फ्रॉम द बेंजोडाइजेपिन, यानी कि बेंजोडाइजेपिन भी गाबा पे ही अटैच होते हैं। ठीक है ना, गाबा रिसेप्टर्स पे, और बारबिट्यूरेट्स भी गाबा पे ही अटैच होते हैं, लेकिन इनके जो बाइंडिंग साइड है वो दोनों की डिफरेंट होती है। ठीक है, अब इनके एक्शन क्या, ये प्रोलॉन्ग करता है ड्यूरेशन ऑफ द क्लोराइड चैनल ओपनिंग, ब्लॉक करता है। अच्छा, एक काम इसका ये है कि ये क्लोराइड चैनल की जो ओपनिंग है वो कंटिन्यू रखेगा। अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये क्लोराइड चैनल वगैरह क्या है और किस तरह से है सारा कुछ। एक तो इसका ये काम होगा ना, गाबा भी जब ये अटैच होगा ना तो ये काम करवाएगा, क्योंकि गाबा आपके पास क्या है, एक इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रान जो है रिसेप्टर है। ठीक है, तो वो क्या काम कर रहा है आपके पास,
हैं सेल के, जिसकी वजह से अगर और अगर ये कॉन्टिन्यूसली आते रहे हैं तो क्या होता है, सेल हाइपर पोलराइज हो जाता है। और जब हाइपर पोलराइज होता है तो वो ऑब्वियसली नर्व इम्पल्स का जो एक आपका साइकिल है कि डीपोलराइजेशन, फिर पोलराइजेशन एंड देन रीपोलराइजेशन होती है। और अगर रीपोलराइजेशन ना हो तो डीपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन के कॉन्टिन्यू हो जाता है, जिसकी वजह से जब रीपोलराइजेशन नहीं होती तो फिर क्या होता है कि वो नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं होती इम्पल्स। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये ब्लॉक करता है एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर, क्योंकि ये इसने कामनेस इंड्यूस करवानी है तो ऑब्वियसली ये जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं उनको ये ब्लॉक करेगा एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर्स। एंड थर्ड वन, एनेस्थेटिक कंसनट्रेशन ऑफ फिनोबारबिटोन आल्सो ब्लॉक हाई फ्रिक्वेंसी सोडियम चैनल, यानी कि एनेस्थीजिया पे जो ऑब्वियसली बात है हर ड्रग की अगर एक ड्रग के डिफरेंट यूजेज हैं तो उसके जो डोजेज हैं वो भी डिफरेंट होंगे एट द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट डिजीजेज के लिए, फॉर द डिफरेंट कंडीशंस के लिए। जैसे उसका सेडेटिव डोज अलग होगा, हिप्नोटिक डोज अलग होगा और एनेस्थेटिक डोज उसका अलग होगा। तो एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन पे फिनोबारबिटोन जो है वो ब्लॉक करवाता है हाई कंसंट्रेशन सोडियम चैनल्स भी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका मेन मैकेनिज्म कि ये किस तरह से जो है ये सोडियम, ये क्लोराइड चैनल की जो है ये ओपनिंग को प्रोलॉन्ग करेगा। अच्छा, तो अब ये आपके पास क्या आ जाता है, एक गाबा रिसेप्टर आ जाता है। गाबा रिसेप्टर क्या है, मैंने आपको बताया ये मेजर इनहिबिटरी न्यूरॉन है CNS का। ठीक है, इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गैमा मतलब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये 5 सब यूनिट्स हैं, अल्फा भी 2 हैं और बीटा भी 2 हैं और गैमा जो है वो 1 है। तो ये तकरीबन 5 सब यूनिट्स इसके बन जाते हैं और इन सब यूनिट्स के फर्दर टाइप्स हैं, जैसे इनकी अगर टोटल सब टाइप्स को मिला तो टोटल 19 बनते हैं। ठीक है, अच्छा, इंटरफेस ऑफ अल्फा एंड गैमा सब यूनिट की जो है वो बाइंडिंग साइट होती है गाबा की। ठीक है, यानी कि यहाँ पर गाबा कह रही हूँ बेंजोडाइजेपिन्स की, यानी कि जो इंटरफेस है अल्फा सब यूनिट का और ये जो गैमा सब यूनिट, ठीक है, इनके दरमियान जो है वो बेंजोडाइजेपिन अटैच होते हैं और इस पॉइंट पर जो है वो बारबिट्यूरेट्स अटैच होते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स पर जो है वो बारबिट्यूरेट्स अटैच होते हैं और गाबा की बाइंडिंग साइट आप देख रहे हैं अल्फा और बीटा के दरमियान है। ठीक हो गया हमारे पास ये बात। अच्छा, अब अल्फा सब यूनिट के बारे में मैं आपको ये बता दूं, जब हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स का पढ़ेंगे तब भी ये याद रहेगी ये बात कि अल्फा सब यूनिट्स आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास 2 हैं। ठीक है, अच्छा, इंटरफेस ऑफ द अल्फा, अब अल्फा भी जो है हमारे पास आ जाता है अल्फा 1 और अल्फा 2 में आ जाता है। ठीक है, अब अगर बेंजोडाइजेपिन्स जो हैं वो अल्फा 1 के साथ अटैच हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे बेंजोडाइजेपिन्स 1, और अगर अल्फा 2 के साथ अटैच हो रहे हैं तो वो बेंजोडाइजेपिन 2 कहलाएंगे। ठीक है, और ये बात भी आप लोगों ने ये याद रखनी है कि आपका जो फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि कब जो है बेंजोडाइजेपिन किस वाले अल्फा पे अटैच होंगे और वो क्या काम करेंगे। जब हम बेंजोडाइजेपिन का पढ़ेंगे तब हम मैं आपको बताऊंगी कि वो अल्फा पे एक्ट करते हैं तब वो क्या काम करते हैं और किस तरह से एंटी कन्वुलजेंट होते हैं, एनजाइटी को रिड्यूस करते हैं या सेडेटिव होते हैं, या अल्फा 2 पे अटैच करते हैं तब वो होते हैं। तो हम वो जब पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो है वो बारबिट्यूरेट्स को मैं आपको बता देती हूँ कि बारबिट्यूरेट्स की बाइंडिंग साइट है ये। अच्छा, अब गाबा का नॉर्मल फंक्शन हम लोग मैं आपको बता दूँ। गाबा का नॉर्मल फंक्शन ये है कि जब ये अटैच होता है तो ये चैनल असल में क्लोराइड चैनल है। ठीक है, ये क्लोराइड चैनल जो है ये ओपन होता है और क्लोराइड अंदर मूव करता है। अगर ये कॉन्टिन्यूसली ओपन रहा तो सेल जो है वो हाइपर पोलराइज हो जाता है और जब हाइपर पोलराइजेशन होती है तो फर्दर नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट नहीं होती। जब मजीद नर्व इम्पल्सेज नहीं आएंगी तो जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, उसका जो सेल की जो वर्किंग है उस सेल में इम्पल्स नहीं है तो यानी कि वो एक्टिव नहीं है। जैसे आप लोगों ने इस तरह समझना है इसको कि अगर वो इम्पल्स नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या, और इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कोई चीज़ नहीं चलती। तो इसीलिए वो सेडेटिव एक्शन, वो हिप्नोटिक एक्शन और एनेक्सियोलाइटिक एक्शन वो इसी तरह से इंड्यूस होता है क्योंकि ये हाइपर पोलराइज हो जाता है सेल। ठीक है, तो हमारे पास ये बात क्लियर हुई कि अब हाइपर पोलराइजेशन क्या चीज़ है, बेंजोडाइजेपिन्स का क्या काम है और बारबिट्यूरेट्स का क्या काम है। ठीक है, अब आप एक बात ये भी देखने वाले कि इन तीनों की बाइंडिंग साइट डिफरेंट है, गाबा की डिफरेंट है, बेंजोडाइजेपिन्स की और बारबिट्यूरेट्स की डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब हम लोग चलते हैं मेजर एक्शंस की तरफ बारबिट्यूरेट्स के। ओके, सो डिप्रेशन ऑफ द CNS एंड द रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, सो ये इसके 2 काम आ जाते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों बातें। CNS की डिप्रेशन के लिए तो हम लोग ले रहे हैं लो डोजेस में, मैंने आपको बताया ये सेडेशन कॉज करवाता है, और हाई डोजेस में ये हिप्नोसिस कॉज करवाता है। अगर मजीद हाई डोजेस हों तो फिर एनेस्थीजिया, अगर उससे भी हाई डोज हो जाए तो कोमा, और अगर उससे भी हाई डोज तो वो डेथ की तरफ ले जाएगा। ठीक है, ये एनाल्जेसिक नहीं है, इवन एक्सेसरबेट द पेन। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, पेन भी इवन बढ़ा देता है, बाजू
औकात ये होता है कि इसके इस्तेमाल से पेन बढ़ रहा होता है पेशेंट में, ठीक है। ये एनाल्जेसिया बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई समझ रहा है कि जुई ये खाने से, बारबिट्यूरेट खाने से दर्द कम होता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये समटाइम पेन को बढ़ा भी सकता है। सेकेंड, इसका क्रॉनिक यूज़ जो है वो टॉलरेंस इंड्यूस करवाता है। मतलब फर्दर आपको पहले आपको थोड़ा एक, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर 25 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम में आ रहा है, तो अब नेक्स्ट टाइम आपको 50 मिलीग्राम, फिर देन 75 मिलीग्राम, ठीक है ना। तो आपको दिन में एक गोली अगर फॉर एग्जाम्पल पहले ये काम दे रही थी, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता 2 गोलियां आपको खानी पड़ेंगी, फिर 3 गोलियां खानी पड़ेंगी। एक टाइम आगे आपको एक पेशेंट को 3 गोलियों से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो आपको पता चलता है टॉलरेंस वो इंड्यूज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात जो इसको जो इसके नुकसान को मज़ीद बढ़ा देता है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। ये डिप्रेस करता है हाइपोक्सिक एंड कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये आपके पास कीमो रिसेप्टर का क्या रोल है, कीमो रिसेप्टर्स जो आपके होते हैं ये इनका रोल क्या है रेस्पिरेशन में, ये डिटेक्ट करते हैं पीएच लेवल ऑफ द ब्लड एंड सेंड सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन टू एडजस्ट द वेंटिलेशन रेट बाय विद द इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो अब हम लोगों को किस तरह से पता चलेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाता है तो आपके जो ब्लड की पीएच है वो डाउन हो जाती है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि ऑब्वियसली आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट बढ़े ताकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से निकले और ऑक्सीजन आए आपकी बॉडी में, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, ये डिप्रेस कर देगा जो कीमो रिसेप्टर का जो रिस्पॉन्स है कार्बन डाइऑक्साइड पर, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके ब्लड में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा और आपके दिमाग को पता ही नहीं चल रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया और आपकी पीएच जो ब्लड की पीएच है वो और एसिडिक होती जा रही है, ठीक है। सो इसके ओवरडोज की वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि आपके जो रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कोई रिस्पॉन्स का, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुई हुई है क्योंकि वो सही तरह से उसका सांस ही नहीं ना आ रहा। जब सांस नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली वो उसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज सही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि और अगर फर्दर मजीद डोज हो जाए तो डेथ। तो इसका मतलब है कि बारबिट्यूरेट्स के दोनों जो इसके मेजर एक्शन है, डिप्रेशन ऑफ द सीएनएस एंड डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों ही अगर ओवरडोज हो जाएं तो डेथ लीड करता है, ठीक है। अब इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है, मतलब कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो रहा है। नंबर वन, ये एनेस्थीजिया के तौर पे यूज़ हो रहा है। मैंने आपको बताया कि ये जो शॉर्टर एक्टिंग है थायोपेंटाल, ये यूज़ हो रहा है, लेकिन ये अभी भी थोड़ा बहुत रिप्लेस हो गया, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं ये यूज़ हो रहा है। एज ए एंटी कन्वुलसेंट यूज़ हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ टॉनिक क्लॉनिक जो रिफ्रैक्टरी है टॉनिक क्लॉनिक साइजर्स, और दूसरी एक तो टॉनिक क्लॉनिक साइजर्स के लिए जो है सीजर्स के लिए ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में यूज़ हो रहा है। दूसरा, जो रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है उसके लिए भी ये यूज़ हो रहा है। स्टेटस एपिलेप्टिकस वो होता है जिसमें एपिलेप्टिक शॉक बार बार आए, ठीक है ना, कंटिन्यू हो, फॉर एग्जांपल 2 शॉक्स हो और 3 शॉक्स हो विदाउट द रिकवरी फेज ना हो, और वो 1 शॉक इज फॉलोड बाय द अदर शॉक, और ये चीज़ बार बार होना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ये काम इसका, ये जो एंटी कन्वुलसेंट है इसकी वजह से ही, इनके फॉर एग्जांपल ये लाइक आई कैन से डैट कि ये जो बारबिट्यूरेट्स हैं ये आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को कम करते हैं, और कॉग्निटिव अगर ये बच्चे लेंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम होगी, और अगर अडल्ट लेंगे तो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस कम होगी, क्योंकि अडल्ट में तो कॉग्निटिव फंक्शंस कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं ना, तो वो उनका फंक्शन कम हो जाएगा अगर वो लेंगे और विद द पैसेज ऑफ द टाइम, और अगर जो है चिल्ड्रन रहते हैं तो उनकी डेवलपमेंट कम हो जाएगी। सो ये सिर्फ उस वक्त यूज़ होते हैं जब बाकी थेरेपीज फेल्ड हो जाएँ, ठीक है। तो फिनोबार्बिटोन या बारबिट्यूरेट्स, फिनोबार्बिटोन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये भी कंट्रोल ड्रग है, तो ये बहुत ये उस टाइम लिया जाएंगे जब बाकी थेरेपीज फेल हो जाए, क्योंकि ये आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को ख़राब करते हैं। थर्ड यूज़ आ जाता है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। माइल्ड सिडेटिव है टू रिलीव एंजाइटी एंड इंसोमनिया एज अ हिप्नोटिक। हिप्नोटिक के तौर पे हिप्नोसिस, मैंने आपको बताया ना, ये स्लीप इंड्यूस करवाते हैं, ये सप्रेस करता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अच्छा, अब ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्या होती है कि ये एसोसिएटेड होते हैं ड्रीमी स्टेट्स से। जब आपको ख्वाब आता है ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि, देखें, जब आप कोई ख्वाब देखते हैं तो आपका ब्रेन थोड़ा उस पर कॉन्शियस होता है, आपको जब उठते हैं तो आपको याद होता है कि आपने क्या ख्वाब देखा, यानी उसमें आपका ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव होता है। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा ये चांसेस भी होते हैं कि आपको ख्वाब के, आप फॉर एग्जाम्पल बहुत कम ऐसा होता है कि आप 1 घंटे से ख्वाब देख रहे हैं या आधे घंटे का, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे से आप ख्वाब देख रहे हैं और आपको सारा याद है, ऐसा नहीं होता। और ज़्यादातर ये भी होता है कि जब आप ख्वाब देखते हैं तो उसके एक आधे घंटे के अंदर अंदर आप उठ जाते हैं, ठीक है। तो रैपिड आई मूवमेंट आपके जो ख्वाब की जो स्टेज होती है वो
वो चांसेस होती है, या रैपिड आई, जब आपकी आँख बहुत ज़्यादा हिल रही हो तो चांसेस होते हैं कि आप जल्दी उठ जाएंगे और आपकी नींद जो है वो टूट जाएगी। तो ये जो उस फेस है ना, वो फेस है, ये उसको सप्रेस करते हैं रैपिड आई मूवमेंट के फेस स्लीप को, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हुआ। फिर ब्यूटाबिटाल प्लस एसिटामिनोफिन एंड कैफीन, या फिर एस्पायरिन प्लस कैफीन और ब्यूटाबिटाल, ये टेंशन टाइप माइग्रेन हेडेक्स के लिए भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आपको चार इसके यूजेस पता चले। एनेस्थीजिया एंटी कन्वल्सेंट के तौर पर ये यूज़ हो रहा है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक तो ये है ही, और इसके अलावा ये टेंशन टाइप जो माइग्रेन हेडेक्स है उसके लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद आ जाती है इसकी काइनेटिक्स। ये एब्जॉर्ब होता है ओरली, डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट, ऑल ऑफ देम रीडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द ब्रेन स्प्लेनिक एरिया, और ब्रेन से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ये कहाँ पर जाते हैं, स्प्लेनिक एरियाज में, स्केलेटल मसल्स में एंड फाइनली टू द एडिपोज टिश्यू। और यही वजह है कि इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, क्योंकि ये एडिपोज टिश्यूज़ में और बाकी मतलब अच्छा, इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह ये है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना। एक पहले ये डिस्ट्रीब्यूट होकर ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है ना, जो आपके पास ADME का जो एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन उसके मैकेनिज्म के थ्रू, जो आपका एक हर एक ड्रग का मैकेनिज्म है कि पहले उसने एब्जॉर्ब होना है फिर डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो मेटाबॉलिज्म है उससे पहुंचने से पहले ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि अपने साइट ऑफ एक्शन के से हट के दूसरी जगहों पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसे ये एडिपोज टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यही वजह है इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन की। क्रॉस करता है ये प्लेसेंटा, ठीक है ना, और ये डिप्रेस करता है फीटस को भी। इट इज मेटाबोलाइज बाय द साइटोक्रोम 450 इंड्यूसर्स के जरिए ये मेटाबोलाइज होता है। एक्सक्रीट होता है इसके इनएक्टिव मेटाबोलाइट इन द यूरिन्स, यूरिन में। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसके ADRs। ADRs ऑब्वियसली हमेशा यही होता है कि जो थेरेप्यूटिक यूजेस हैं उसका अग्रेसिव इफेक्ट जो है वो ADRs बन जाते हैं, जैसे ड्राउजीनेस, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस होती है। हिप्नोटिक डोजेस जो है वो बाज़ोकात हैंगओवर हो जाता है, मतलब हैंगओवर हो जाता है उससे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह याद रखना है, एच से हिप्नोटिक और एच से हैंगओवर। इसके अलावा न्यूजिया तो सारे ही ड्रग्स कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके विड्रॉवल सिम्टम्स। अच्छा ओके, उसके बाद आ जाता है इसका विड्रॉवल सिम्टम्स। विड्रॉवल सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। इसके विड्रॉवल सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीमर्स, एनजाइटी, सीजर्स, वॉमिटिंग, कार्डिक अरेस्ट इवन हो सकता है, एंड वीकनेस वगैरह, ठीक है ना, एंड इवन कैन रिजल्ट इन द डेथ, ठीक है। मोर स्वेयर सिम्टम्स देन ओपियोड्स, यानी ओपियोड्स विड्रॉवल के तो सिम्टम्स स्वेयर होते ही हैं, लेकिन इसके मजीद स्वेयर सिम्टम्स हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल अब बहुत कम हो चुका है और लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ एज अ लास्ट ऑप्शन के तौर पर कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों के लिए भी एनेस्थीजिया या कन्वल्सेंट के तौर पे भी ये यूज़ हो रहा है तो एज अ लास्ट ऑप्शन हो रहा है, जब दूसरी थेरेपीज काम ना करें। ओवरडोज क्या है, ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड CNS डिप्रेशन, मैंने आपको बताया। और इसका आपको पता कैसे चलेगा कि शॉक लाइक कंडीशन हो जाएगा, कंडीशन होगी, शैलो और इनफ्रीक्वेंट ब्रीथिंग होगी। तो इसका आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना और गैस्ट्रिक डीकंटामिनेशन, यानी कि मैदा साफ करना और सपोर्टिव केयर के जो भी आपके पास जो कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन होती है, CPR जिसको आप कहा जाता है, तो आपके पास जो CPR की जो टेक्निक है आप लोगों ने वो यूज़ करनी होती है, और उसके ज़रिए आप लोग जो है फर्स्ट सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं और गैस्ट्रिक डिकन्टामिनेशन होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ये किन किन सिचुएशंस में है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन द पेशेंट विद द एक्यूट या इंटरमिटेंट पोरफायरिया। पोरफायरिया क्या है कि ये ग्रुप ऑफ द लिवर डिजीजेज हैं जिसमें जो पोरफायरिन है आपके पास एक्यूमुलेट हो जाता है स्किन में और CNS में। और इसका आपको पता कैसे चलेगा कि आपके एब्डोमिनल, मतलब पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, उसके जो लेग्स पे पेन होगा, ब्राउन यूरिन, उसकी कलर चेंज हो जाएगा और ब्राउन सी यूरिन होगी। उसके अलावा जो है आपके जो पेशेंट है उसको मेंटल चेंजेस होंगे, ठीक है, उसका जो दिमागी तवाज़ुन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और इसके अलावा उसको सीजर्स का भी अटैक हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बार्बिट्यूरेट्स। के बार्बिट्यूरेट्स के बारे में तकरीबन हम लोगों ने हर चीज़ कवर कर दिया, और यह खास तौर पे मैंने जो बच्चे लिपिन कॉर्ड से जो समझ नहीं पाते हैं और जो जिनको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि लिपिन कॉर्ड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है और उसका मैंने एक समरी बनाई हुई है, ठीक है ना। तो ये समरी है आपके जो पूरा जो चैप्टर है जो बार्बिट्यूरेट्स का, ये उसकी समरी है। एक तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेशक आप कमेंट के जरिए पूछ लें या फिर आप लोग मुझसे फेसबुक पेज के थ्रू पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप लोग पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।